कैंडिडेट मदर पूर्व मंत्री की बेटी बनी दामिनी, बोला, पापा ने करोड़ों खर्च कर बचाया था आरोपी भाई को। समाज में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अपराधियों को माकूल सजा न मिलना है। अक्सर ऐसा होता है कि रेप और दूसरे गंभीरतम मामलों में भी दोषी अपनी रसूख का इस्तेमाल कर छूट जाते हैं। ऐसी ही 22 साल पुरानी रेप और मर्डर की एक बेहद गंभीर घटना का पर्दाफाश अब हुआ है, जिसमें आरोपी की बहन ने अपने भाई और पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए ये खुलासा किया है कि उसके पिता मंत्री थे और उन्होंने अपने रुपये और पैसों के प्रयोग के जरिए उसके रेपिस्ट भाई को बचा लिया था। दरअसल ये मामला 22 साल पहले हरियाणा में हुए गैंगरेप और मर्डर का है, जब 28 अगस्त 1995 यमुनानगर के रेलवे वर्कशॉप ट्रैक के पास गंदे नाले से बोरी में एक नाबालिग लड़की की बॉडी मिली थी। डेड बॉडी की मेडिकल जांच से पता चला कि लड़की की हत्या से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था। तब इस मामले में 4 लड़के आरोपी थे, जिसमें से एक लड़का उस वक्त के फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू मिनिस्टर शेर सिंह का बेटा रवि चौधरी था, पर यह केस हरियाणा में भजन लाल की सरकार में ठंडे बस्ते में चला गया। आरोप है कि मिनिस्टर शेर सिंह की तत्कालीन सीएम भजन लाल की करीबी की वजह से इस मामले को दबा दिया गया। पुलिस सिर्फ एक ही शख्स को आरोपी मानकर उसकी तलाश करती रही। आज तक पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला सड़कों पर भी उतरे थे और सीबीआई को जांच भी मिल गई, लेकिन पीड़ित परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 22 साल बाद अब इस मामले में आरोपी रवि चौधरी की बहन गीता चौधरी ने रविवार को मीडिया के सामने आकर कहा है कि इस हत्याकांड को राजनीतिक दबाव के चलते दबा दिया गया था, क्योंकि उनके पिता को पुत्रमोह था और वह अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। साथ ही गीता चौधरी ने इस मामले में पुलिस से लेकर सीबीआई और जजों तक को करोड़ों रुपए दिए जाने का खुलासा किया है। इस खुलासे के बारे में गीता से जब मीडिया ने पूछा कि आखिर 22 साल बाद वो ये बयान क्यों दे रही हैं, तो गीता का कहना था कि आज जब उनकी बेटी बड़ी हो गई तो उन्हें एक बेटी के दर्द के बारे में पता चला और अब वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। खुलासे के बाद पीड़िता के पिता ने इंसाफ की लगाई गुहार। रविवार के हुए गीता के इस खुलासे के बाद पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार करते हुए यह ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें अभी इंसाफ नहीं मिला तो वह जंतर मंतर पर जाकर आत्महत्या कर लेंगे। साथ ही वह राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग करेंगे। हमें कमेंट करके बताएं कि इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की सच्ची खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो घंटे का बटन आएगा उसे भी दबा दें, जिससे कि हमारे हर खबर को सबसे पहले देखने का मौका आपको मिलेगा।